पुरुषोत्तम मास महात्म्यम कथा पांचवा अध्याय। नारद जी श्री नारायण से कहने लगे, हे महाभाग, चरणों में पड़े हुए अधिक मास को भगवान ने क्या कहा? भगवान बोले, निष्पाप नारद, जो हरि ने कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। हे मुनि श्रेष्ठ, कृष्ण भगवान ने नेत्रों से संकेत पाकर गरुड़ मूर्छित हुए मलमास को अपने पंखों से हवा करने लगे। तब मलमास उठकर बोला, हे नाथ, मुझको यह अच्छा नहीं लगता। हे जगतपते, मुझ शरणागत को क्यों ताकते हो? रक्षा करो। इस प्रकार कांपते हुए और बारंबार कहते हुए मलमास से भगवान कहने लगे, हे वत्स, हे पुरुषोत्तम, मुझको तेरा दुख नहीं देखा जाता है। तू सोच मत कर, उन योगियों को भी दुर्लभ ऐसे गोलोक में मेरे साथ चल, जहाँ गोपी गणी के बीच में बैठे हुए दो भुजा वाले मुरली हाथ में लिए नवीन मेघ के समान श्याम रंग कमल सदृश नयन वाले ऐसे ईश्वर श्री कृष्ण भगवान रहते हैं। श्री कृष्ण भगवान गोलोक में तेरा दुख को दूर करेंगे, चलो वहां पर चलते हैं। श्री नारायण कहने लगे कि इतना कहकर हरि भगवान मलमास का हाथ पकड़कर गोलोक को ले गए। यहाँ पर पांचवे अध्याय को विराम देते हैं। छठा अध्याय अगले वीडियो। कृष्णा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।